दीज आर टू मोर क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कहा जा रहा है कि ए डॉट आई इतना ये तीनों इक्वल टू वन, तो हम लोग ऐसे ही लिख लें ए डॉट आई। तो सबसे पहले तो ए का इंफॉर्मेशन है नहीं अपने पास, तो ए को सपोज कर लेते हैं। चलो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये वेक्टर अगर अपने पास है तो ये रिलेशन हम लोग पुट कर दें, तो देयरफॉर अगर हम लोग इसको यूज करें तो ए डॉट आई इज इक्वल टू वन होगा। तो ए डॉट आई देखो, इसका अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल आई वाला कंपोनेंट हमको मिलने वाला है। फिर भी मैं एक बार कंप्लीट लिखता हूं, प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई इज इक्वल टू वन। देखो इस आई के साथ अगर करेंगे तो केवल इसका वैल्यू मिलेगा, इन दोनों का जीरो होगा, तो इसका वैल्यू मिलेगा एक्स इंटू वन, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक वैल्यू तो मिल गया। सिमिलरली हम लोगों को मालूम करना है, हम लोगों को दिया हुआ है कि इतना इज इक्वल टू वन, सो अगर हम लोग उसको यूज करें ए डॉट टू आई प्लस जे इज इक्वल टू वन, इसको अगर यूज करें तो ए का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू आई प्लस जे इज इक्वल टू के। क्लियरली एक आई वाला कंपोनेंट और जे वाला कंपोनेंट हमको मिलने वाला है, के वाला नहीं मिलेगा, तो टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। प्रीवियसली एक्स इज इक्वल टू वन था, इसको इसमें अगर पुट कर दें तो y इज इक्वल टू वन माइनस टू, दैट इज इक्वल टू माइनस वन, तो दूसरा वैल्यू हमको y का मिल गया माइनस वन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें थर्ड रिलेशन को यूज करें, तो मालूम है अपने पास कि a डॉट i प्लस j प्लस k प्लस थ्री के इज इक्वल टू वन। a का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस थ्री के एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू वन। अगर इसको हम लोग देखें तो एक्स इंटू इसमें तीनों कंपोनेंट मिलने वाला है, तो एक्स इंटू वन वाई इंटू वन जेड इंटू थ्री इज इक्वल टू वन। अभी देखो हम लोगों के पास एक्स का वैल्यू वन है, वाई का वैल्यू माइनस वन है, पुट कर देते हैं तो वन प्लस माइनस वन प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन, दीज टू आर कैंसल्ड आउट, सो जेड इज इक्वल टू वन बाई थ्री। अब देखो इन तीनों वैल्यूज को अगर इसमें हम लोग पुट कर दें तो ए निकल गया, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स के लिए वन मीन्स आई, वाई के लिए माइनस वन तो माइनस जे, जेड के लिए वन बाई थ्री तो प्लस वन बाई थ्री के, तो हम लोग कह सकते हैं वन बाई थ्री टाइम्स थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस के एंड दिस विल बी द आंसर, वन बाई थ्री थ्री आई थ्री जे प्लस के, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द बेस्ट चॉइस, दिस इज द चॉइस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इन दिस क्वेश्चन अ पैरेललोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेक्टर्स ए एंड बी और अल्फा बीटा का मैग्नीट्यूड गिवन है। देखो बेटा इस बार इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ए और बी का कोई दो वेक्टर के टर्म्स में है। ध्यान रहे अल्फा बीटा यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड टू है। तो इस बार इसको ये जो हमेशा करते आ रहे हैं आई और जे और के उसके रूप में मत देखो, समझो कि इसको दो अलग वेक्टर के टर्म्स में लिखा गया है, इसको भी दो अलग वेक्टर के टर्म्स में लिखा गया है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी गिवन है, एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि उनके उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उस डायगोनल का लेंथ बताओ। देखो बेटा इसमें डायगोनल का लेंथ कुछ भी नहीं, डायगोनल मतलब उन दोनों वेक्टर का उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, तो उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जानना है। सो सिंपल, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक से हम लोग दिखाएंगे वेक्टर ए को और एक साइड से दिखाएंगे हम लोग वेक्टर बी को,
और उन दोनों के बीच के डायगोनल डायगोनल को हम लोग पता करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि कौन वाला डायगोनल, तो हम लोग अपने चॉइस से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पॉसिबिलिटी रहती है ऐसे केसेस में कि डायगोनल वही रिजल्टेंट वाला, जैसे देखो ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में मान लो कि ये ओ ए बी और सी, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। अब देखो कहा जा रहा है ये कि इन दोनों वेक्टर, इन दोनों ये जो पैरेललोग्राम है इसका लेंथ ऑफ डायगोनल बताइए। लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब कौन सा, ये बताइए, ओसी बताइए। ओसी क्या है, ओसी अगर देखो तो ओसी नाम के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यही हमको पता करना है। क्लियर, ए और बी के बीच का एंगल नहीं गिवन है, ए और बी जिस दो वेक्टर के टर्म्स में गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो अब हम लोग उसके हेल्प से ये जानेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो हम लोग इस वेक्टर को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर करके लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर होगा। सो ओ सी वेक्टर इज गिवन बाय सम ऑफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा एंड इट इज इक्वल टू 4 अल्फा, दोनों मिलकर के हो गया प्लस 2 बीटा। ये वैल्यू हमको मिल गया इसका सी का। अब ये जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो ओसी का मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 2, इज इट क्लियर। देखो बेटा यहां एक गड़बड़ होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई पूछे कि 2i प्लस 3j प्लस k का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम लोग इजीली इसको लिख लेते हैं कितना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग यहां नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, यहां तो यूनिट वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उनके, उनको कंपोनेंट्स के रूप में दिखाया गया है इस वेक्टर के, तो यहां ये रिजल्ट सही है। लेकिन मान लिया जाए कि कोई एक वेक्टर कोई दो अलग वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड हो, तो उसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहां हम लोग ये नहीं लिख सकते कि रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट विल बिकम अ रॉन्ग आंसर। तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, ये तभी कर सकते हैं जब ये इस फॉर्मेट में हो। तो चलो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, ओ सी 4 अल्फा प्लस 2 बीटा होल स्क्वायर। हम लोगों को मालूम है ये ओ सी स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी का स्क्वायर, सीधे लिख लेते हैं ओ सी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी है, चलो एक बार लिख लेते हैं, हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए भूल गए हो, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसा। अब ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में डॉट प्रोडक्ट, तो ए स्क्वायर मीन्स कितना, 4 4 16 स्क्वायर मीन्स अल्फा की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मीन्स 2 2 2 4 बीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 टाइम्स ये वेक्टर इनटू ये वेक्टर, तो 4 अल्फा इनटू 2 बीटा मीन्स 4 2 8 8 इनटू दैट मीन्स अल्फा डॉट बीटा। बस अब वैल्यू हमको पता है, अल्फा का वैल्यू और बीटा का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये हो गया 4 प्लस 4 इनटू 4 प्लस 16 अल्फा डॉट बीटा मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इंटू कॉस इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल कितना, इनके बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी गॉट 64 16, यहां प्लस 16, अल्फा और बीटा दोनों 2 है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ये दोनों कैंसल, अभी अपने पास कितना हुआ 80 प्लस 16 टू जा 32, सो वी हैव 112, द आंसर 112, इज इट क्लियर। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज ओ सी स्क्वायर एंड वी आर टू फाइंड ओ सी, तो ओ सी मीन्स कितना 112,
वन वन टू चेक करते हैं, वन वन टू, फोर टू जा एट, एट एंड थ्री 32, 4, 7, that means it will be equal to 4√7 and this is the choice, 4√7. So according to the question it will be none. Check it. So these two questions are x plus 5 plus z is equal to 0, x y z is equal to 2. देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि थीटा अगर एंगल है बिटवीन y एंड z, तो y और z के बीच का अगर एंगल थीटा हो तो इसका मतलब ये हुआ, कि हम लोग y और z के बीच का डॉट प्रोडक्ट पता करेंगे तभी उस एंगल थीटा को हम लोग यूज कर पाएंगे. तो बस ये देख करके मत डरना, ऐसा ही है. अगर आप सोच लो कि आप सोचो, अगर मान लो कि आपको cos थीटा का वैल्यू पता है, अगर cos थीटा का वैल्यू पता है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जान सकते हैं. तो ये केवल ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने में भड़कीला बनाया जा रहा है, इट्स नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस. नाउ हम लोगों ने तय किया, कि इसको यूटिलाइज करने के लिए वाई और जेड का डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो हम लोग y और z को इधर ही जाने दें. y प्लस जेड इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाए तो जीरो माइनस x, मतलब माइनस x वेक्टर. अब इसके बीच अगर हम लोगों को मालूम करना है तो हम लोग ऐसा कर लें कि y और z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, तो माइनस x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा. हमको पता है कि ये वाला जो वैल्यू है ये होता कितना है, इसका सेंस क्या होता है. देखिए मैं तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन चलिए एक बार और देखें इसका सेंस कितना है. इसका सेंस ये है, y प्लस z डॉट y प्लस z, ये जैसे ही हम लोग लिखते हैं और ये तो हमको मालूम है, माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर. अब देखिए ये पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जहां पर भी ए स्क्वायर रहे वहां हम लोग उसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे, जहां बी स्क्वायर हो वहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे, और जहां कहीं पर भी डॉट इनटू रहे वहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे. सो दैट मीन्स वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई डॉट जेड and it is equal to magnitude of x का स्क्वायर. तो magnitude of x y z सब 2 है, तो इसका मतलब 2 2 जा 4, यहां भी 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 2, इसको अगर हम लोग लिखें तो 2 टाइम्स y का मैग्नीट्यूड इनटू z का मैग्नीट्यूड इनटू cos, इनके बीच का एंगल गिवन है थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4. देखिए कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बचा कितना, ये 4 प्लस 2 मैग्नीट्यूड 2 मैग्नीट्यूड 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0. सो वी गॉट cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8, सो माइनस 1 बाय 2. क्लियरली थीटा का वैल्यू हो गया 120 डिग्री. अब 120 डिग्री मालूम हो गया तो ये क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं. चलिए तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लें, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स अब दो बार वैल्यू रखने की क्या आवश्यकता है, इसको चेंज कर लेते हैं. हमको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा. वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर 120 डिग्री. 120 डिग्री का वैल्यू कितना, वही वैल्यू होगा जो कॉट का 60 डिग्री के लिए होता है. तो कॉट का 60 डिग्री के लिए वैल्यू होता है विद नेगेटिव साइन, तो इसका वैल्यू हमारे पास होता है 2 इनटू माइनस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू, मतलब 1/√3 स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इसका हो गया 2/3, दैट मींस 5/3. सो इट विल बी 5/3. So the answer will be equal to 5/3. Check it.
यहाँ अगर हम लोग देखें तो इस वैल्यू में हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हॉट 120 डिग्री इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और हमको मालूम है कि इसका वैल्यू होगा माइनस कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, सो इट इज इक्वल टू -1/√3। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी टेक दिस क्वेश्चन हियर, एंड दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट यू वी डब्ल्यू दीज आर थ्री वेक्टर्स, उनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट है, यू का मैग्नीट्यूड 1, वी 1, 2 और डब्ल्यू 3। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वी ए लॉन्ग यू इज इक्वल टू किसके, दैट ऑफ मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ए लॉन्ग यू। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एक रिलेशन आएगा, और आगे कह रहा है कि वी एंड डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वी और डब्ल्यू भी आपस में परपेंडिकुलर है, इनके हेल्प से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। डू इट, पहले सबसे पहले हम लोग सभी वेक्टर्स में हम लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो फाइंड करना है वो मैग्नीट्यूड है यू माइनस वी प्लस डब्ल्यू का, तो हम लोगों का इंटेंशन होगा कि इसका स्क्वायर पहले पता करें, इसके स्क्वायर को फाइंड करने का हमारा मेन रोल होगा। ये करने के प्रोसेस में हमारे पास यू का, वी का, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा, उसी डॉट प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये रिलेशंस है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहां देखें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या आता है, ये 1, वी का मैग्नीट्यूड 2, वी का मैग्नीट्यूड 2 और डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड 3। अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग U is equal to projection of W along U। ये दोनों अगर इक्वल है तो प्रोजेक्शन होता क्या है, इन इसका इसके डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट, तो इसका डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर मतलब V डॉट U डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ U, ये इतना इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ W का मतलब हो गया W डॉट U डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ U। ये देखो, ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो अब अपने पास बचा क्या, V डॉट U इज इक्वल टू W डॉट U, ये एक रिलेशन हुआ, ये अपने काम आने वाला है। सेकेंडली हम लोगों से कहा जा रहा है कि V एंड W आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, सिंस V एंड W आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देयरफॉर V डॉट W इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो एक और इंफॉर्मेशन मिला, देखो इसका जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो तीनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट आने वाला है, मैग्नीट्यूड आने वाला है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, बस क्वेश्चन सॉल्व। सो नाउ वी कैन राइट हियर यू माइनस वी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स कितना यू डॉट बी निगेटिव में माइनस यू डॉट बी, फिर यू डॉट डब्ल्यू प्लस यू डॉट डब्ल्यू, फिर वी डॉट डब्ल्यू माइनस वी डॉट डब्ल्यू। सो वी हैव दिस रिजल्ट एंड नाउ वी हैव एक्चुअली यू वी डब्ल्यू इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, और इसका कुछ करना नहीं है, अपने पास वैल्यू पुट कर दो, यू का मैग्नीट्यूड 1 तो 1 स्क्वायर प्लस वी का मैग्नीट्यूड 2 4 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स। अब यहां पर ध्यान दो, देखो वी डॉट डब्ल्यू ये वाला 0 हो गया, उसके बाद फिर क्या देख रहा हूं, यू डॉट वी या वी डॉट यू दोनों तो सेम चीज है, ये इक्वल है किसके, डब्ल्यू डॉट यू, डब्ल्यू डॉट यू, इसका मतलब यू डॉट वी को अगर हम लोग चाहे तो डब्ल्यू डॉट यू लिख सकते हैं या यू डॉट डब्ल्यू, तो यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट डब्ल्यू प्लस यू
डॉट डब्ल्यू प्लस माइनस जीरो, तो ये अगर हम लोग देखें ये दोनों मिलकर के कलेक्टिवली जीरो हो गया, दोनों इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब 9 प्लस 10 प्लस 1 14, सो स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 14, सो यू माइनस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 14। देखो हम लोगों को पहले से पता है ये स्केलर कंपोनेंट, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी कंपोनेंट नहीं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये जो हम लोग पता करते हैं ये कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव अगर होता है तो v डॉट u और u डॉट v में कोई फर्क नहीं है, w डॉट u और u डॉट w में कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें तो v डॉट u को लिख सकते हैं u डॉट w, सॉरी v डॉट u को लिख सकते हैं u डॉट v, इसी तरह से w डॉट u को लिख सकते हैं u डॉट w। अब ये ध्यान में रखो, यही तो यहां लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए उन दोनों का, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ तो जीरो होगा। सो दीज टू कलेक्टिवली जीरो है और v डॉट w जीरो है, इसलिए कि v और w एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सो इसका रिजल्ट निकला रूट 14, और रूट 14 तो इसका मतलब हमारे पास जो चॉइस हुआ वो चॉइस नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो। अगर कोई कमेंट देना हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हो। आई होप यू विल डू इट। थैंक यू।